नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमनित कुमार झा है और मैं कंसल्टेंट फिजिशियन इंटेंसिविस्ट हूँ। जिस तरीके से आजकल डेंगू फैला हुआ है और लोगों में जो प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, तो ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि क्या हर बार डेंगू ही कारण है। प्लेटलेट्स कम होने के बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो सिंपल, कोई भी यदि बीमार हो, वायरल फीवर है या कोई भी बीमारी है या टाइफॉइड है, ऐसे कंडीशंस में भी जो नॉर्मल प्लेटलेट्स जितने होते हैं उनसे थोड़े प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं। दूसरा, जनरली ये होता है कि हमारा जो ब्लड टेस्ट एग्जामिनेशन होता है वो आपका मशीन के द्वारा होता है, तो मशीन में क्या प्रॉपर्टी होती है कि कितनी बार यदि प्लेटलेट्स एक साथ जमे हुए हैं, एक साथ चिपके हुए हैं, क्लम्प्स में हैं, तो मशीन उसको 10 ना गिन के एक ही गिन लेता है। तो ऐसे टाइम में भी प्लेटलेट्स की कमी, जो काउंट है, वो कम हो सकता है। तीसरा, आजकल जो लोगों में जो लिवर की शिकायत है, जो लिवर की शिकायत लोग हैं उनके अंदर भी प्लेटलेट्स कम होते हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स जो है वो बोन मैरो और लिवर के थ्रू ही बनता है। तो ऐसे में यदि किसी को लिवर की शिकायत है तो भी प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो सकती है। उसी तरीके से कुछ एरियाज में देखा गया है कि लोगों में ए प्लास्टिक अनीमिया है, उसमें बोन मैरो पर इफेक्ट होता है और प्लेटलेट काउंट है वो काफ़ी कम होता है। तो काफ़ी एरियाज में जहाँ कि ये जो ए प्लास्टिक अनीमिया बहुत कॉमन है, वहाँ पर जो प्लेटलेट्स हैं वो लोगों में कम आते हैं। साथ में एक और मेडिकल कंडीशन है जिसमें कि प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन तो ठीक होता है, लेकिन हमारी बॉडी जो है उसको डिस्ट्रॉय करने लगती है, जो जिसे बोलते हैं कि इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोसिस। अब ये जो इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोसिस है, इसमें थ्रोम्बोसाइट्स ज़्यादा बनते हैं और जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसके ऊपर ही काम करने लग जाता है, और कुछ दिन समय में देखा जाता है कि जो थ्रोम्बोसाइट्स बन रहे हैं उनका डिस्ट्रक्शन होने लगता है और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होने लगता है। तो ये भी एक मेडिकल कंडीशन है जिस कंडीशंस में था ये जो प्लेटलेट्स के जो नंबर है वो घट जाते हैं। सभी कारणों को ध्यान दें तो उसमें पता यही चलता है कि प्लेटलेट्स की जो संख्या है जितनी हमारे शरीर में चाहिए उससे कहीं ज़्यादा हमारे अंदर रहती है। जनरली यदि हमारा प्लेटलेट्स 50,000 के ऊपर है तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी ही संख्या हमारे शरीर में खून का बहाव का बंद हो सके उसके लिए जरूरत पड़ती है। जरूरत नहीं है हमारे पास 50,000 से अधिक की जरूरत नहीं होती है। तो यदि किसी का प्लेटलेट्स 50,000 से कम हो रहा है तो ही उनको हॉस्पिटल में एडमिशन की जरूरत होती है, और यदि 20,000 से कम हो रहा है, ऐसे कंडीशंस में पेशेंट को ब्लीडिंग की, हेमरेजिक शॉक में जाने की संभावना हो सकती है। जनरली जब 20,000 के कम होते हैं तभी प्लेटलेट्स चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, उससे ऊपर प्लेटलेट्स चढ़ाने की जरूरत नहीं होती है। जो भी ये जो बोलते हैं बकरी का दूध और ये सब जो बातें बताते हैं, इनसे जनरली प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं, लेकिन जो पपाया एक्सट्रैक्ट्स है, पपाया एक्सट्रैक्ट्स का जो जूस पीने से या पपाया खाने से, हाँ, प्लेटलेट्स थोड़ी मात्रा में बढ़ते हैं। साथ में यदि जिस समय फीवर आ रहा है, एक बार जब आपका डेंगू फीवर का जो टाइम थोड़ा 5-7 दिन बढ़ जाता है, उसके बाद से देखा जाता है कि प्लेटलेट्स की जो मात्रा है वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है। तो यदि पेशेंट का जो फीवर धीरे धीरे कम हो रहा है और सीरोसाइटिस नहीं आया है, तो देखा जाता है कि धीरे धीरे प्लेटलेट्स वापस रिकवर हो जाते हैं। तो जब भी किसी को प्लेटलेट्स कम आए तो हमेशा घबराने की जरूरत नहीं है। 50,000 से ऊपर है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि डेंगू के अलावा भी कोई भी छोटी मोटी जो वायरल फीवर होते हैं उसमें प्लेटलेट्स कम होते हैं। साथ में यदि किसी को लिवर की शिकायत है तो प्लेटलेट्स कम होंगे, यदि किसी को ए प्लास्टिक एनीमिया की शिकायत है तो कम होंगे, और यदि किसी को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पर्पिरा की शिकायत है तो भी प्लेटलेट्स कम होंगे। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। 20,000 से कम है तो उस कंडीशन में प्लेटलेट्स चढ़ाने की जरूरत होती है। प्लेटलेट्स में एक और अच्छी बात है कि जरूरी नहीं है कि जो ब्लड ग्रुप आपका हो उसी ब्लड ग्रुप से ही का ही प्लेटलेट्स चढ़े होते हैं। प्लेटलेट्स आप दूसरे ब्लड ग्रुप के भी चढ़ा सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कोई भी यदि किसी दूसरे ब्लड ग्रुप का भी है तो दे देता है, तो 2 घंटे में उसमें से प्लेटलेट एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, और वो प्लेटलेट्स यदि शरीर पर चढ़ाए जाएँ तो प्लेटलेट्स की मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो इस समय में लोगों को इतना घबराने की जरूरत नहीं है।
प्लेटलेट्स कम हो तो भी ज़्यादा मत घबराइए, अनटिल अनलेस 20,000 से कम हो और कोई ब्लीडिंग सिम्टम्स हो तब हॉस्पिटल में एडमिट होने और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। धन्यवाद।